हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जेटे कब्ज दोस्तों चैनल पर आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और यह है सुपर स्प्लेंडर BS6 2021 मॉडल, बिल्कुल BS4 के तरीके से कलर है, जो कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी दोस्तों कि ये कलर को लेकर जो BS6 में 2020 में कंपनी ने चेंजेस किया है इस बाइक में, वो काफ़ी लोगों को नापसंद आ रहा था दोस्तों, जो था उसके स्टीकर और उसके कलर को लेकर। तो इसलिए कंपनी ने एक बिल्कुल अपने पुराने ग्राहकों के जो दिलों में मोहब्बत थी, जो उन लोगों के दिलों में इसकी जो कलर के जो डिफरेंस था, वो जो उनके दिलों में बैठा हुआ था ना, उस चीज़ को कंपनी ने जगाने के लिए एक नया कलर दे दिया है कि ताकि उन लोगों को याद और प्यार हमेशा बना रहे। तो यह है सुपर स्प्लेंडर 2021 का मॉडल है और काफ़ी अच्छा मॉडल है। यहाँ पर हम इसके करने वाले हैं वॉक राउंड और इसके करने वाले हैं पूरी रेडी और इसके प्राइस भी हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका हम ये भी चीज़ बताएंगे कि इसका एवरेज भी कितना है और क्या चेंजेस कंपनी ने किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे चैनल पर। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके पहले फ्रंट के शुरुआत से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 8018 का ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा, देख सकते हैं 8018 का ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा और यहाँ पर एलाउ व्हील भी आपको मिल जाएगी, ट्यूबलेस यहाँ पर लिखा भी मिल रहा है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये बाइक जो है ट्यूबलेस टायर है, यहाँ पर इस तरीके से पहचान कर सकते हैं एलाउ व्हील। और उसके बाद ब्रेकिंग अगर बात करें तो यहाँ पर IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि फ्रंट अगर मारेंगे तो रियर ब्रेक भी काम करेगी, IBS यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद चेंजेस यहाँ पर आपको मिलेगा, जो इसका वाइजर है वो पूरा ब्लैक है, जिस तरीके से आपका टायर एलाउ व्हील और सस्पेंशन का कलर, उसी तरीके से आपको यहाँ पर हीरो की IBS की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ मिल रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इस बाइक को काफ़ी यूनिक बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोलिक एब्सॉर्ब यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिलता है, काफ़ी मजबूत हीरो का साकर है ये, ठीक है। अब रियर पर चलते हैं पीछे के पोजीशन पर दोस्तों, पीछे क्या है तो पीछे देखेंगे यहाँ पर तो पीछे भी आपको डरम ही ब्रेक मिलेगा, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 90-90-18 का यहाँ पर आपको टायर मिलता है, ट्यूबलेस वाला टायर है, यानी ट्यूब वाला टायर नहीं है, ट्यूबलेस ही टायर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डरम ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेकिंग सिस्टम जो आपको मैंने बताया वही है। अब इसके साकर की बात करते हैं तो सस्पेंशन आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मिलेगा, यानी 5 बार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, डबल साकर आपको मिलेगा, यहाँ पर एक लगा है, यहाँ पर एक लगा है, दोनों इस तरीके से यहाँ पर देखेगा दोस्तों, तो दोनों साकर यहाँ पर आपको डबल साकर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चैन कवर की, तो चैन कवर यहाँ पर नया किया है, क्योंकि यहाँ पर फाइबर दे दिया है तो काफ़ी अच्छा है। इसके चैन में जो खड़खड़ाहट थी वो आवाज़ इसमें चैन बढ़ने पर नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा है, फाइबर का यहाँ पर आपको चैन कवर मिल जाएगा। अब पीछे हम बात करते हैं दोस्तों चेंजेस के, तो यहाँ पर कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, आपको इंडिकेटर वही BS6 वाला ही मिलेगा। और यहाँ पर जो है टेल लाइट का जो कवर है रेड कलर, ये भी बल्ब पर ही मिलेगा, बल्ब यानी कि लाइट है वो भी बल्ब पर, पूरा एकदम BS6 2021 मॉडल और 2020 मॉडल सेम टू सेम सब वही है, ठीक है। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट और यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर सीट की बात करें तो सीट आपको बिल्कुल प्लेन मिलती है, बराबर सीट है, इस तरीके से आप यहाँ पर सीट भी देख सकते हैं, बराबर सीट दिख रही है इस बाइक में, तो आराम से 2-3 सवारी कर सकते हैं। अगर इसके हम ग्रेवरल की बात करें तो ग्रेवरल और स्टीकर दोनों सेम कलर है, ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ICRS यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, हीरो का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा कलर है। अब बात करें टैंक डिज़ाइन की, तो टैंक डिज़ाइन आप देखेंगे तो बिल्कुल BS4 वाला ही मिलेगा, सुपर स्प्लेंडर और ग्राफिक और कलर सब सेम टू सेम, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल देखने में BS6 लग ही नहीं रहा है। अब इसके बात करेंगे टैंक कैप की, तो टैंक कैप भी आपको वही मिलेगा जो BS6 और BS4 में था। अब बात करेंगे इसके हैंडल बार की, तो हैंडल बार पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुटेबल है, यहाँ पर ICRS की स्विच और यहाँ पर सेल्फ स्विच, और इसका जो हैंडल बार है ये हैंडल काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर बात करें स्विच की तो पासिंग स्विच आपको मिलेगा, हाई लो बीम टर्न सिग्नल और यहाँ पर हॉर्न स्विच मिल जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लच। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर कंसोल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्यूल मीटर जो है यानी कि पेट्रोल बताने वाला भी कांटा है, एनालॉग है, और यहाँ पर स्पीडोमीटर भी कांटा वाला है यानी एनालॉग मीटर है, यहाँ पर टोटल आपका किलोमीटर बताएगा। इसकी सबसे एक कमी है दोस्तों, यहाँ पर आपको मतलब वो नहीं मिलता है ट्रिप, जैसे कि आप जैसे मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर जाना है या आप कहीं जा रहे हैं तो चाहिए कि ट्रिप कर दे और यहाँ पर बताए कि कितने किलोमीटर ये बाइक
चल रही है या मैं कितने किलोमीटर आज रन किया हूँ कितने पेट्रोल में, तो सिरिक वाला नहीं दी है, ये बहुत ही कमी है। अगर सुपर स्प्लेंडर वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं कंपनी वाले, तो इनको चेंजेस में अपडेट्स में ज़रूर देना है कि ये चीज़ें यहाँ पर स्ट्रिप देना चाहिए कि ताकि यहाँ पर मीटर जो है आपका जो टोटल किलोमीटर है वो यहाँ पर एडजस्ट कर सके कि जितना किलोमीटर किसको चलना है वो यहाँ पर ट्रिप करके वो चल सके दोस्तों, ये ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है सारा चीज़ें, यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि न्यूट्रल लाइट है या फाइव लाइट है, थ्री साइड स्टैंड इंडिकेटर और टर्न सिग्नल का, यहाँ पर पासिंग स्विच का, और यहाँ पर आपका मिल जाता है चाबी लगाने वाला इग्निशन, ठीक है। यहाँ पर एबीएस भी मिलता है लिखा हुआ है, पर देख सकते हैं एबीएस लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हीरो का लोगो मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये बाइक हुई। अब हम बात करते हैं इसके इंजन माइलेज गियर की। तो गियर 5 गियर है और 125 सीसी का इंजन है। तो आपको इंजन बेसिक्स वाला ही मिला जो 2020 में आया था, वही इंजन है सेम टू सेम, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर एफआई लाइट आपको जो है मिलता है उसमें, यहाँ पर एफआई यानी फ्यूल इंजेक्टर मिलता है। तो माइलेज आपका मान के चलिए 65 प्लस एवरेज इस बाइक में आपको आराम से मिल जाता है। 5 गियर भी आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। हीरो की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, काफ़ी अच्छा है, लाइट भी बेहतर है पहले के हिसाब से, इसमें जो है लाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले आरपीएम पर लाइट होती थी तो एक्सीलेटर जितना लेते थे उतनी लाइट जलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो लाइट काफ़ी बेहतर कर दिया है। और सेल्फ स्टार्ट आपको मिलेगा और किक स्टार्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिलता है इंजन आयल फिल्टर, इसमें आयल फिल्टर लगाया गया है ताकि इंजन आपका लाइफ लॉन्ग अच्छा रहे, मोबिल इसको सही मिले इंजन में। और यहाँ पर आपका मिलता है स्पार्क प्लग सेंसर, यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो काफ़ी सही बाइक है, अच्छा है, माइलेज के हिसाब से 125 सीसी की बाइक काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ पर आपका ब्रेक फुल स्टेयर हो गया, यहाँ पर आपका सेल्फ किक स्टार्टिंग का आपका स्विच हो गया। तो टोटली डिटेल्स मैंने दे दिया है, अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस दोस्तों ये